विचार के माध्यम से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? हर बार की तरह उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, एटलीस्ट अपने लिए नहीं लेकिन हाँ अपनी फैमिली वालों के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं दिल से और आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मेरे को FB भी मैंने पूछा था कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ वीडियोस, किस टॉपिक पर मेरी आने वाली वीडियोस होनी चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि फॉर गुड हेल्थ। आजकल छोटी छोटी चीज़ें तो हमारी चली रही हैं, बट कोरोना एक सबसे बड़ी, कोरोना है या 5G का नेटवर्क है डोंट नो। तो कोरोना पे क्या हमें मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए या फिर क्या एनर्जी सर्कल हमें लेनी चाहिए, वो तो मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगी। बट अभी जस्ट वीडियो का टॉपिक है फॉर गुड हेल्थ, हमारी एक अच्छी सेहत के लिए हमें खुद को क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमारा घर हो या ऑफिस हो, हमें अपने ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रखने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होनी चाहिए। ये फ्रेश हवा जब हमें मिलती है तो हमारे अंदर तक के जो कहते हैं ना ब्लॉकेजेस होते हैं, इतनी धूल मिट्टी पॉल्यूशन, उन सबको ये चीज़ें कवर करती है। तो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स है, इसके अलावा आप घर के अंदर क्या करेंगे, इनडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। एंड आपके जो घर की ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल जो होती है उसको आप कोशिश कीजिए ग्रीन कलर का पेंट करवाने का, डार्क ग्रीन जो लीव्स का कलर होता है उसमें कोई भी ग्रीन कलर का वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन कलर के कर्टन्स यूज़ करते हैं, मतलब ईस्ट जो साइड है वो प्रॉस्पेरिटी की साइड है, इससे आपको धन वैभव लक्ष्मी तो प्राप्त होती ही होती है। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में हेल्थ एंड वेल्थ दोनों अट्रैक्ट करते हैं ईस्ट साइड को, अगर आप ग्रीन कलर ज़्यादा मतलब रखते हैं वहाँ पे। तो मेरे घर के जो भी प्लांट्स हैं वो सब ईस्ट डायरेक्शन में मैंने रखे हुए हैं। ईस्ट साइड पे ही मैंने ग्रीन कलर का वॉलपेपर भी लगा रखा है और ईस्ट साइड पे ही मैंने पेंट भी करवा रखा है, ठीक है जी। तो जितना हम कर सकते हैं ईस्ट साइड को ग्रीनरी में ज़्यादा रखें। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि किचन में हमारे मंदिर नहीं बनाना है, कुछ भी हो जाए। अगर हमारा किचन में मंदिर होता है तो भी हमें ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ये चीज़ का नोट रखिए। क्योंकि ये छोटी सी है वैसे हमें लगता है, क्योंकि एक गलती मेरे से भी हो गई थी और मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जब मैंने इस चीज़ को एकदम मतलब देखा कि ये मैं क्या कर बैठी, मतलब लोगों को बोल रही हूँ, लोगों को बताती हूँ और मैं खुद ही ये गलती कर बैठी, तो एक्चुअली मेरे हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे कवर होने सॉल्व हो गए थे। अब तीसरी चीज़ आती है अमावस्या को मान लीजिए आपको बहुत सारी मतलब कुछ ना कुछ आए दिन छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती हैं, तो आपको करना क्या है, अमावस्या ले लीजिए। अमावस्या के दिन आपको शाम के टाइम गाय के देसी घी का दीपक जलाना है और उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी ऐड ऑन करनी है। अब जो रुई की बाती होती है उसको आपने क्या करना है, पीले रंग से यानी हल्दी से रंग देना है। पीले रंग की बाती से गाय के घी का दीपक जलाना है एवरी अमावस्या आप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। लास्ट बताऊंगी सी सॉल्ट बाथ, समुद्री नमक। सी सॉल्ट बहुत ही रफ में आता है, आपको कुछ आने वाली वीडियोस में उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दूंगी। सी सॉल्ट आप ऑनलाइन देखेंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सी सॉल्ट से आप नहाइए, रोज़ नहाइए, अगर डेली नहीं नहा सकते तो एवरी ट्यूजडे और एवरी सैटरडे आपको सी सॉल्ट से बाथ लेना है। एक मुट्ठी लीजिए सी सॉल्ट, बाल्टी में डालिए, 5 मिनट के लिए उसको ऑब्जर्व होने दीजिए पानी के अंदर और उस पानी से नहाइए। आप इसको 21 दिन या एक महीना कीजिए, डेफिनेटली आपके जो छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ना, आपकी हेल्थ एकदम से अच्छी हो जाएगी एंड फिट एंड फिट हो जाएंगे आप लोग, सो यकीन मानिए। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मेडिकल लाइफ विद सोनम शर्मा। थैंक यू सो मच मैम।